चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। मेरे पास किसी का फ़ोन आता है रिश्तेदार का कि अलीम की गोली लग चुकी है। जब मैं घर पर आया तो कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या माजरा हुआ, क्या ना हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। सब घर वाले परेशान थे। तो किसी हमारे उसके मिलने वाले ने बताया कि अलीम भाई दुकान बंद करवा दी थी पुलिस वालों ने, और वे घर लौट रहे थे। हापुड़ अड्डे में सामान लेने गए थे और मुझसे घर लौटते वक्त मेरे भाई के साथ ये हादसा हुआ। गोली कहाँ पे लगी? इसकी गोली सिर पे लगी थी और इस तरीके से लगी और यहाँ से भेजे बाहर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने अभी दी नहीं। वो कह रहे थे कि दो चार जिम्मेदार आएंगे, जब दो तीन दिन बाद हम तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, इससे पहले रिपोर्ट नहीं देंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मर्तक है उन्हीं के ऊपर उल्टा केस डाल दिया गया। वो तो मीडिया को हमने क्लियर बात बताई, मीडिया हमसे लेकर चली गई, मगर मीडिया ने वो सही बिल्कुल कोई बात नहीं छापी। जो जो हमने मीडिया को बताई वो बात हमसे ले गई, मगर उसके दूसरे फेवर में उन्होंने पुलिस की दबाव के कारण कोई और बात छापी, हमारी कोई वैसी बात नहीं छापी। उसे तो मार दिया, मुझे मार देता कोई भी। कोई तो अकेले कोई भी आवाज़ मुसलमान भाई ने उठाई तो गोली मिली। सीएम हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन करे थे चार बार, सर जी मैं गरीब हूँ, मुझे आवाज़ चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, मगर कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। मुझे प्रधानमंत्री आवास में वो तो मिला नहीं। क्या मिला? मेरी भाई की लाश और गोली, ऊपर से हमारे खिलाफ ही मुकदमे और हमारे खिलाफ ही FIR। इन पे कोई प्रूफ नहीं है 70 साल का, ये कहाँ से ला के देवे अपने बच्चों को बचाने के लिए। मैं सर 1984 में पैदा हुआ सर, मेरे कोई जन्म पत्र ही नहीं है, मेरा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र। मैं उन्हें गवर्नमेंट को कहाँ से ला के दूँगा अपना प्रूफ? कितने साल का था आपको बच्चा? 20वें साल में चल रहा था। ये क्या करता था? ई रिक्शा चलाता था। जब उसकी हत्या हुई वो कहाँ से आ रहा था? वो काम पर से आ रहा था, रिक्शा चला के ही आ रहा था वो। तो गोली कहाँ पे लगी थी? गोली सीने पर लगी थी, सामने से ऐसे लगी हुई है टेढ़ी, इस तरीके से यहाँ से यूँ लगी है गोली और यहाँ को निकली है फेफड़े में को, पार इधर सब पीछे को नहीं निकली, इस साइड से निकली है इधर से। डेड बॉडी हमारी वहीं पड़ी रही शाम को 6:30 बजे तक हमारे लड़के की। कौन सी तारीख की बात है ये जी? 19 तारीख शाम को 4:30 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली जी, ना लड़के का आधार कार्ड जो आई डी थी वो भी नहीं मिली, दे नहीं रहे थे बॉडी। और जब विधायकों ने कहा और आदिल चौधरी और ये रफीक अंसारी और भी बहुत सारे थे बंदूक सब आए वहाँ पर, तो उन्होंने जाकर उन्हें
डाटा वाटा, जब जाकर उन्होंने बॉडी दिखाई, इन बॉडी देने को तैयार नहीं थे, बॉडी छुपा रखी थी उन्होंने। पुलिस ने रिपोर्ट वगैरह कुछ या किसी तरह का दबाव बना रही है पुलिस? जब घर में उठाने आ रही तो सारी दबिश पड़ा रही, वो तो सारे जोर दे रहे, सीढ़ी ले ले के आ रहे पुलिस वाले रातों को उठाने बच्चों को। किस तरह का माहौल है घर में? हमारे यहाँ का तो क्या है, बस माहौल बच्चे ही चला गया, कोई भी सुस्ता नहीं है यहाँ पर। ये भी मजदूरी करते थे जो के काम में, जो भैंस रात अब खाती है ना जो का, उसका काम करते थे। आपके क्या लगते? ये वहाँ से ठिया बन करके आए थे, आने के बाद जो है ना गेट में यहीं बैठे थे, फिर यहाँ से बाहर चले गए कि बाल बाल कटवाइए। हमारे यहाँ एक शादी है साले की लड़की की, कल बारात आने वाली है, वो चक्कर में चला गया बीड़ी वीड़ी लेकर, वहीं बैठ गया दुकान पर। वह बीड़ी पी रहा था, वह गोली सड़क पर से चलाई पुलिस वालों के साथ नाटे नाटे, पीली वर्दी में थे वो, उन्होंने गोली चलाई सीधी उसके यहाँ आके लगी सिर में, वो वहीं ख़त्म हो गया गिरते ही। उम्र क्या होगी उनकी? उम्र 45 साल थी। घर में कौन कौन है? घर में उसकी बीवी है और एक लड़की है, बस एक ही बच्चा उसके पास, लड़की वो भी जवान है, 22 साल की लड़की है। अब पुलिस तो कह रही जी हमने नहीं करा, ये दंगाई है, जो दंगाइयों को साथ लाई है उन्हें तो दिखा नहीं रहे कि कहाँ है, पूरे रोड के सीसी कैमरे तोड़ दिए उन्होंने पुलिस वालों ने, तो उनकी पहचान कहाँ से मिलेगी? पहचान तो पहले से मिटा रहे हैं और उल्टा हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं मार मार के। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई अभी दी नहीं है उन लोगों ने, कोई भी कागज आपको अभी दी नहीं है? ये मेरी दुकान से बीड़ी का बंडल लिया उनने, वहीं बराबर में वो बैठ गया और 200 मीटर अंदर आकर उसके गोली लगी। कहाँ पे गोली, कहाँ पे लगी गोली? इसके यहाँ सर पे लगी है इस साइड में, तो वो ऐसे गिर गया बस वहीं पे, हैंड टू हैंड डेथ हो गया। फिर कोई अस्पताल वगैरह? अस्पताल लेके गए थे उसको, मेडिकल लेके गए थे, तो उन्होंने रास्ते में ही दम दे दिया, वहाँ डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया भाई ख़त्म हो गया। कौन सी दुकान है? ये परचून की दुकान है, दुकान से मंडल लिया परचून भैया ने, और यहाँ बैठ गया भी तो बूंद भी है, खून पी रही ऊपर और यहाँ गिर रही नीचे आके। कहाँ है बूंद? ये रही पुलिस की रिपोर्ट है, यहाँ गिर रही नीचे। देख सामने लाइट जल रही है, इस खंबे तक अंदर पुलिस थी, यहाँ से गोली चलाई उन्होंने। कितना दूर होगा लगभग? ये मान लो यहाँ से 200 मीटर होगा बस। अच्छा, अब बताओ अंदर आ रहे हैं, अंदर आके काम कर रहे हैं इसको। तो ये गोली वहीं से मारी या अंदर आके? वहीं खंबे के दौर से, रोड से नहीं मारी। अच्छा, खंबे के दौर से मारी। पुलिस थी या कौन था? पुलिस ही होगी और कौन होगा उसमें।